नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यह कैसे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने व्हाट्सएप से अपने मोबाइल की कोई भी एप्लीकेशन को किसी के पास कैसे सेंड कर सकते हैं, चाहे वो आपके मोबाइल में प्ले स्टोर से इंस्टॉल हो या APK फाइल हो। दोस्तों आप भी इसे सीखना चाहते हैं, व्हाट्सएप से एप्लीकेशन को शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो को देखते रहिए, मैं स्टेप बाई स्टेप सभी प्रोसेस बताऊँगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए मेरी न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले व्हाट्सएप को ओपन कर देता हूं। दोस्तों व्हाट्सएप ओपन हो गया है। यहां ऑप्शन शो कर रहा है, देखिए व्हाट्सएप सर्च कॉम सुकरा 3 डॉट चैट्स स्टेटस कॉल्स, यहां पे देखिए सभी के चैट शो कर रहे हैं, ग्रुप शो कर रहे हैं। दोस्तों जैसे मैं कोई भी देखिए चैट पे क्लिक कर लेता हूं। दोस्तों जैसे मुझे यहां पे देखिए इनके पास कोई APK फाइल को सेंड करना है तो यहां पे देखिए इनकी चैट वगैरह शो कर रही है। नीचे साइड में देखिए इमोजी का ऑप्शन शो कर रहा, मैसेज और यहाँ देखें अटैच फाइल। जैसे यहाँ अटैच फाइल वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखें डॉक्यूमेंट कैमरा गैलरी ऑडियो पेमेंट रूम लोकेशन कॉन्टैक्ट ऑप्शन शो कर रहा है। दोस्तों जैसे डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में कोई APK फाइल पहले से इंस्टॉल होगी तभी वो यहाँ से देखिए आप सेंड कर सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल में APK फाइल नहीं है तो आप कैसे सेंड कर सकते हैं चलिए बता देता हूँ। दोस्तों हमें यहाँ से बैक आ जाना है। दोस्तों फिर हमें यहाँ देखें क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करना है। दोस्तों आप कोई भी ब्राउजर को ओपन कर सकते हैं। फिर यहाँ देखिए सर्च वाले पे क्लिक करना है और यहां पे हमें देखिए सर्च करना है यह कैसे, यहां देखिए सर्च कर लेते हैं और फिर आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट में देखिए ये वेबसाइट शो कर रही है यह कैसे .com, यहां पर क्लिक करना है। दोस्तों फिर आपके मोबाइल में देखिए वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपको यहां पे देखिए यहां सर्च वाले पे क्लिक करना है, आपको यहां पे सर्च करना है APK फाइल। फिर यहां सर्च कर लेता हूं और फिर स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट शो कर रहा है, देखिए व्हाट्सएप ब्लूटूथ से APK फाइल सेंड करें, यहाँ पर क्लिक करना है। थोड़ी देर यहाँ पे देखिए अपना टाइम देना है क्योंकि जैसे आप यहाँ से देखिए पूरा रीड कर सकते हैं कैसे कैसे इस एप्लीकेशन को यूज करना है, ये सब कुछ आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। जैसे आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है तो और स्क्रॉल करके नीचे आना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन शो कर रहा है ये डाउनलोड का ऑप्शन शो कर रहा है, आपको यहाँ डाउनलोड वाले पे क्लिक करना है तो आपके पास एक एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी। फिर क्या करना है चलिए बता देता हूँ। जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन है या फाइल है फोल्डर कुछ भी है सभी यहाँ देखिए APK फाइल के रूप में शो करने लगेगा। जैसे आप किसी के पास देखिए कोई भी फाइल को व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करना चाहते हैं तो आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों मैं देखिए कोई भी एक फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों जैसे देखिए मैं इंस्टाग्राम को सेंड करके दिखा देता हूँ तो यहाँ देखिए इंस्टाग्राम शो कर रहा है, इसके साइड में 3 डॉट शो कर रहा है, यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ देखिए इंस्टाग्राम शेयर इन्फो, यहाँ शेयर वाले पे क्लिक करना है। फिर यहाँ जो परमिशन मांगेगा अलाउ कर देना है और फिर थोड़ा वेट करेंगे। फिर यहाँ देखिए शेयर और यहाँ पे देखिए हम शो कर रहा है, जैसे आप व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ व्हाट्सएप पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर ऐसा पेज ओपन हुआ। दोस्तों फिर आप जिसके पास इसे सेंड करना चाहते हैं उसके पास यहाँ पे क्लिक करना है। फिर यहाँ जैसे आप सेंड वाले पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ देखिए APK फाइल सेंड हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह आप लोग अपने व्हाट्सएप से किसी के पास भी कोई भी एप्लीकेशन को सेंड कर सकते हैं। दोस्तों यह मेरी जानकारी आपको कैसी लगी लाइक कमेंट करके जो बताइए। दोस्तों अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर बता दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।